आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। इसका कारण ऐसा है कि हमारे देश में अगर हम रोड अच्छे बनाएंगे तो मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मैं एक युवा उस समय मंत्री था और उन्होंने मुझे मुंबई से बुलाकर दिल्ली में मुझे जिम्मेदारी दी थी कि तुम गांव के और रोड को, गांव जो है देहात है उनको रोड से जोड़ने वाली योजना तैयार करो और राष्ट्रीय महामार्ग के लिए भी उन्होंने मुझे कहा कि इसकी भी योजना तैयार करो। मैं इंजीनियर भी नहीं था और मुझे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की कोई समझ भी नहीं थी, पर मुझे यह अवसर मिला था कि जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना तो मुझे मुंबई और पुणे के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग बनाने का सौभाग्य मिला। फिर जो समुद्र में जो टीवी पर आप देखते हैं वर्ली मावरा सीलिंग प्रोजेक्ट, वो बनाने का सौभाग्य मिला और मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मिला। तो वाजपेयी जी को लगा कि शायद मैं इसमें कुछ काम आ सकता हूं। अगर पूरी योजना के लिए मेरी अध्यक्षता में जब कमेटी बनी तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के अध्यक्ष, अनेक राज्यों के अधिकारीगण उसमें थे और उसमें नाबार्ड के अध्यक्ष जी ने मुझे रिपोर्ट दी थी और उन्होंने कहा था कि देश में 6.5 लाख गांव है और 6.5 लाख गांव अगर मजबूत रोड से जोड़ दिए जाएंगे तो इस देश का जीडीपी 1,10,000 करोड़ से बढ़ेगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी किसान हूं और ये इतना बड़ा फायदा होगा। तो मैंने नाबार्ड के चेयरमैन को पूछा कि ये कैसे आप कहते हो। उन्होंने कहा गांव में किसान जब फसल निकालता है तो दूध हो, फल हो, सब्जी हो, बरसात के दिनों में वो मार्केट तक नहीं ले जा सकता क्योंकि रोड काम नहीं करता, कीचड़ होता है। बच्चे स्कूल में जाना चाहते हैं तो ब्रिज नहीं है, बेचारे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, शिक्षा का फायदा नहीं उठा सकते, किसान उसकी फसल को बेच नहीं सकता। अगर ये प्रधानमंत्री की इच्छा है, अगर ये रोड बन जाएंगे तो 1,10,000 करोड़ का जीडीपी बढ़ेगा। मैं काफी प्रभावित हुआ और इस काम करते करते मैंने जब वाजपेयी जी को अपना रिपोर्ट दिया तब मुझे इस बात का, मेरा बहुत काम करने का मौका मिला है। मेरे जीवन में मुझे सबसे अच्छा काम करने का मौका अगर मिला तो आज जो लोकप्रिय योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका आर्किटेक्ट और इस योजना को बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और इस योजना के तरह आज मैं याद करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से 1,70,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी।